जल्दी आ गए तू? मन भर गया तेरे अपने मैके से? ये तो होना ही है। एक बार अमीर घर की हवा लगने के बाद गरीब घर की हवा रास नहीं आती लड़कियों को। बंधु हम चलते हैं। नहीं नहीं दादा, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप अपनी बहन के घर आए हैं, कम से कम चाय तो पीते हुए जाइए। दूध नहीं है घर में। बेटी अब अपने समझियों को मैं काली चाय तो नहीं पिला सकती ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बस निकल ही रहे। हम बस मेरी बहन का ख्याल रखिए। मानो ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी उसका। और हाँ, वंदिता ने बिल्कुल सही कहा है, बिना कुछ खाए पिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बंधु बेटा पानी लेकर आओ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आई आई कोण आले बघ? उकर येना कोण आले बघ तर घरी। अग भाई माधव अर्चो, खुश हो बेटा, खुश हो, बैठो ना बैठो। तुम दोनों इस तरह अचानक? जो आई ने बोला हम दोनों को आने के लिए, वो कह रहे थे कि अगर अर्चना यहाँ आती है तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा किया। बेटी की विदाई के बाद एक आई पर क्या बीतती है वो तो एक आई ही जानती है ना। जा जल्दी से चाय नाश्ता बना ले। वैश्य रुक, मैं भी आती हूँ। अरे नहीं कोई जरूरत नहीं, वैश्य संभालेगी। मुझे तुम दोनों के साथ बात करनी है। आई तू वर्षु को लेकर परेशान है ना? देखना कहां पर रुकी हुई बात कहां आकर शुरू हो गई। वो अश्विन सतीश का जीजा निकला। अब अगर सतीश को वर्षा के अतीत के बारे में पता चल गया तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। यही बात मैं कल अर्चना से कह रहा था। भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमारी वर्षा है ना बहुत बहुत समझदार है और हिम्मत वाली भी है। वो ऐसे से मुसीबतों का सामना आराम से कर सकते हैं। और अगर ये बात सबके सामने आ भी जाती है तो क्या हुआ आई? सतीश बहुत समझदार लड़का है, वर्षा को अच्छी तरह जानता भी है। मुझे नहीं लगता वो इस बात को इतनी अहमियत देगा। आई तूने तूने वर्षा से बात की? रुक मानव फोन देंगे। हाँ हेलो ताई। हाँ वर्षु कैसी है तू? ताई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। अच्छा सुन, अभी हम लोग आई के घर आए, आई तुझसे बात करना चाहती, ले आई से बात कर। हाँ हेलो वर्षु, कशे बड़ा तू? वहाँ सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब हाँ आई, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो अश्विन को लेकर कहीं? नहीं आई, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। उस सब का क्या करना है, कैसे करना है, मैं सब कुछ कर लूंगी। लेकिन बेटा तू तो वहां अकेली है। आई जब मैंने गलती की थी तब मैं अकेली थी ना, अब उसका जो भी अंजाम होगा मुझे अकेली को ही भुगतना पड़ेगा। अश्विन स्टॉप इट। तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता था वो मेरी गलती थी। तुम जैसे इंसान पर भरोसा करके पछता रही हूं मैं। Come on, जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता। मैं दुनिया का कोई पहला आदमी तो हूं नहीं जो ये सब कर रहा है। मेरे ख्याल से दुनिया का हर दूसरा पैसे वाला आदमी यही करता है। और एक बात बताओ, इसमें हर्ज क्या है? मैं अपनी गृहस्थी तो अच्छे से चला रहा हूं ना, अपनी पत्नी को जो प्यार देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा दे रहा हूं।
फिर अगर अपना दिल बहलाने के लिए मैं किसी लड़की से कोई रिश्ता रखता हूँ तो उसमें हर्ज क्या है? एक सच बताऊं वर्षा, मैंने तुमसे रिश्ता रखा था अपना दिल बहलाने के लिए, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लग गया, यहां तक कि आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। अश्विन बहुत हो गया, तुम शायद भूल रहे हो मेरी शादी हो चुकी है। देखो ना वर्षा, ये तो और भी अच्छी बात है, अब तो हमें लाइसेंस मिल गया रिश्ता बनाने का। अपनी शादी यूं ही कायम रखकर तुम अपना रिश्ता भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखो अश्विन बहुत हो गया। वर्षा जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर, थिंक अबाउट, अच्छे से सोचकर फिर मुझे जवाब दे देना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। एक बात तो है, मुझसे रिश्ता बनाए रखने में ही तुम्हारी भलाई। बाय। सतीश मुझे तुमसे, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? अरे अपनी एवरग्रीन बहन के बारे में तुम्हारी राय जानने के लिए। बताओ ना कैसी लगी? उर्मिला ताई अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? अरे बहुत 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 अच्छी है। तो अच्छी है? जस्ट ग्रेट, यू नो, फुल ऑफ लाइफ, कहीं भी जाती है ढेर सारी खुशियां बिखेर देती है, यू नो, पॉजिटिविटी तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई। यू नो, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आए जब मैं बहुत मायूस था, उस वक्त उर्मिला ताई ने मुझे उस मायूसी से बाहर निकाला। आज मैं अगर कामयाब हूं तो उसका श्रेय सिर्फ उर्मिला ताई को जाता है। वर्षा, उर्मिला ताई मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें दुख पहुंचाती है मैं उससे नफरत करता हूं। वर्षा एक वादा करोगी, कभी भी भूल करके भी उर्मिला ताई का दिल मत दुखाना, अगर गलती से भी वो कहीं गलत हैं तो उन्हें पलट कर जवाब मत देना, अगर गुस्सा आए तो ये सोचकर चुप हो जाना कि ये तुम्हारा पति आज जो कुछ भी है उनकी वजह से। करोगी ना ऐसा? क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं, वो थोड़ा थक गई थी इसलिए। तुम बैठो यहाँ पे, थोड़ा सा आराम करो, मैं तुम्हारी कॉफी लाता हूँ, ठीक है? नहीं सतीश, उसकी कोई जरूरत नहीं। दो मिनट। नहीं चल सकता। अरे क्यों फोकट में चिल्लम चिल्ली कर रहा है? अरे भीड़ है, लग गया धक्का। लग गया या जानबूझ के मारा? ए भाई जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? गलती तेरी है, इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मेरी पत्नी को चोट लग जाती तो। अरे इतनी नाजुक है तेरी बीबी, इसको घर पे शोकेस में संभाल के रख, गर्दी में लाता ही क्यों है? आपको और संजय जी को दोनों को शादी की पार्टी में आना है। आई आपकी चाय। थैंक यू बेटा। अच्छा वर्षा, आज शाम को तैयार हो जाना, मार्केट जाना है हमें, तुम्हारे ढेर सारी शॉपिंग करनी, कल रिसेप्शन है ना। ठीक है। इसे कहते हैं अपना काम और दूसरे का नाम। मतलब? मैं नहीं समझी। मैं समझाता हूँ, इधर मुझे लगता है कि तुम्हारी सास
तुम्हारी आड़ में अपने लिए परचेजिंग करने जा रही हूँ। तो आपको क्या तकलीफ है? मैं आपके पैसे नहीं खर्च कर रही हूँ, मैं अपने बेटे के पैसे से शॉपिंग करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, जरा संभल कर भाई। आज तक तो सतीश के पैसे पर तुम्हारा हक था, लेकिन अब वर्षा का भी बराबर का हक है। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वर्षा मुझे ऐसा करने से कभी नहीं रोकेगी। मेरी बहू नहीं, बेटी है ये। आई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाबा, आप गलत बोल रहे हैं। क्या, सास और बहू दोनों एक ही टीम में? लाइफ में मजा खत्म, सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया। ये बातें आप तब कहिएगा जब अश्विन और उर्मिला यहाँ पे हो। उर्मिला आपको ऐसा जवाब देगी ना कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अजीत, तो फिर से शुरू हो गया। मैंने कितनी बार कहा है तुझे ये आदत अच्छी नहीं है, एक दिन लेके डूबेगी ये तुझे, लेकिन तू है ना, मानता ही नहीं है। आई देख, मैं पीता हूँ अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने खुशी के लिए। अच्छा लगता है जब दो घूंट गले से नीचे उतरते हैं। खैर छोड़, तू नहीं समझेगी। मुझे ये बता, वर्षा की पुंगी बजाने के लिए तूने कोई नया प्लान सोचा है कि नहीं? सोचा है, बहुत कुछ सोचा है, सिर्फ मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ। मतलब एक तीली जलाकर उसका भविष्य खाक कर देंगे। आई, जो भी करना है जल्दी कर। मैं उस वर्षा को पागलों की तरह रोते हुए देखना चाहता हूँ। रोएगी वो, बहुत रोएगी, हम रुलाएंगे उसे। अजीत, सतीश और वर्षा की शादी की खुशी में एक पार्टी हो रही है, हम तभी कुछ करेंगे। लेकिन करेंगे क्या? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये अभी तक सोचा नहीं है मैंने। लेकिन कुछ करेंगे जरूर। मानव, आपकी चाय। मानव, बाबा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मानव, वहां सब कुछ ठीक है, उन्हें तो बस यही की चिंता हो रही थी। यहाँ के मतलब? मानव, बाबा कह रहे थे कि आपने जो शावनी के पापा से पैसे उठाए, वो पैसे भी तो वापस करने हैं ना, तो उसका कुछ इंतजाम हुआ? नहीं, अभी तक तो इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन बाबा से कहो कि चिंता नहीं करने, मैं कर लूंगा इंतजाम। नहीं मानो, बाबा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि। अरे बाबा क्यों कोशिश कर रहे हैं, पैसे मैंने लिए थे ना अर्चना, तो पैसे मैं ही वापस करूंगा। बाबा को बोलो कि चिंता नहीं करने। नहीं मानो, आपने वर्षा की शादी के लिए गिरी जी से 3 लाख रुपए लिए थे ना, तो फिर आप पैसे क्यों देंगे? मैं बाबा से बोल दूंगी, कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम कर लेंगे। लेकिन अर्चना। अच्छा, तो इसकी बहन की शादी के लिए आपने मेरे पापा से 3 लाख रुपए लिए थे। शर्मी मत। कमाल है मानव, जब आपको अपना खुद का गैरेज बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तब तो आपको मेरे पापा का ख्याल नहीं आया, या फिर शायद उस वक्त आपकी खुददारी आपके आड़े आ गई। तो फिर मानव, इस बार इसके घर वालों के लिए पैसे मांगते वक्त आपकी खुददारी कहाँ गई? मानव, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपने मेरे पापा से पैसे मांगे, मुझे तो बल्कि ये सुनकर अच्छा लगा कि आपने मेरे पापा को अपना माना, उनके साथ हक से अपनी सारी परेशानियां बांट रहे थे। लेकिन नहीं, सच्चाई कुछ और थी। मानव, ये लड़की जिससे अब आपका कोई नाता नहीं है, इसके घर वालों के लिए आपने, मानव, अपना घर संसार छोड़कर आपको इसके घर वालों की पड़ी है, क्यों मानव, आखिर क्यों? सतीश, ये कुछ याद आया?
क्या? वर्षा, ये वही जगह है जहां पर तुमने एक बार कहा था कि तुम मुझसे कभी शादी नहीं कर सकती। आप में अपना लाइफ पार्टनर मुझे नहीं दिखाई देता। सुनने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया और मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगी। आज भी मुझे वो रात याद है। तुम्हारे ना कहने के बाद न जाने मेरा क्या हाल हुआ था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। यहां से जाते वक्त बस मैं यही सोच रहा था कि अगर वर्षा मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरी जिंदगी होते हुए भी उसका होना बेकार है। लेकिन एक नई उम्मीद सी जागी। ऐसा लगा जैसे कि अगर आज वर्षा ने ना बोला है तो शायद कल को हाँ बोल दे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वर्षा मुझे जरूर मिलेगी। इसलिए मैंने उसी वक्त बप्पा से प्रार्थना की, बप्पा अगर वर्षा मुझे मिलती है तो एक दिन उसे शादी के बाद मैं यहां पर जरूर लाऊंगा। देखो आज पापा ने मेरी सुन ली। अरे बातों बातों में हम जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। एक मिनट, पता है वर्षा, जब से तुमने ना कहा है तब से लेकर के आज तक मैंने आइसक्रीम को हाथ तक नहीं लगाया, पर आज मैं मन भर के खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा। दो चोको चिप्स। चोको चिप्स पसंद है ना? जानता था, इसलिए बिना पूछे ले आया। लेकिन ये क्या, तब से मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। खैर, जो चीज मुझे तुम्हारे मुंह से सुननी है शायद अभी उसे सुनने का सही वक्त नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। सतीश, मुझे घर जाना है। आई और मैं मार्केट जाने वाले थे, उन्होंने ही प्लान बनाया था, वो नाराज हो जाएंगी। तुम मेरे साथ आई हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलो। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मानव, मुझे नहीं लगता कि श्रावणी कहीं गलत है। मेरा मतलब है, श्रावणी ने जो कुछ भी कहा ना, उसके नजरिए से देखा जाए तो सही है। मानव, आप, मैं, श्रावणी, हम तीनों इस वक्त एक अजीब मोड़ पर खड़े। श्रावणी कुछ सोचना समझना नहीं चाहती, वो तो बस यही चाहती है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। और उसके ऊपर से आपने मेरे परिवार के लिए उसके पापा से पैसे ले लिए। उसे दुख तो होगा ना मानव। मैं जानती हूं मानव, आप वर्षा के लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए वो क्या मायने रखती। लेकिन श्रावणी से इस समझदारी की उम्मीद करना गलत है मानव। समझता तुम्हारे पास, तुम सही भी है। सुलोचना, आप कैसा लग रहा है? मुझे क्या हुआ है? आहो, शादी की भागदौड़ में थोड़ी सी थकान हो गई थी, इसलिए सांस फूल गई थी। अभी ठीक हूं। सुलोचना, यह सिर्फ थकान की वजह से है या और कोई वजह है जो? क्या मतलब? मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कोई तो परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जिस दिन से वर्षा की शादी हुई है तुम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हो। जब भी देखता हूं अपने ही ख्यालों में डूबी रहती हो। ये वर्षा की विदाई का गम है या और कोई ऐसी बात है जो? नहीं, ऐसा कहीं नहीं।
अपने इस घर को तीन तीन बेटियों की आदत है। सबसे पहले एक बेटी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। अब वर्षु भी गई तो मन को दुख तो हो गई ना। कितने सालों के बाद आई हो? बचपन में सतीश के साथ आया करती थी, लेकिन बीच में तो गायब ही हो गई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कब कैसे आना हुआ? वर्षा और सतीश की शादी की रिसेप्शन है ना, उसके लिए इनवाइट करने आई थी आपको। ये शादी और सगाई को लेकर भावना काकी की जो भागदौड़ हुई है ना, मैंने सोचा इस बार ये जिम्मा मैं ही उठाती हूँ। अच्छा हुआ। वंदिता, शादी को एक महीना होने को आया और फिर भी इस घर के तौर तरीके नहीं सीखे हैं तूने? ये तेरा मायका नहीं है जहाँ घर आए हुए मेहमानों को सिर्फ पानी पिलाकर फुटाया जाता है। जाओ उर्मिला के लिए शरबत लेकर आओ और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। आई वो मैं लेकर आने वाली थी, लेकिन तेरे गरीब घर के भिखारी संस्कार बीच में आ गए। जाओ जितना कहा है उतना करो। अब नहीं नहीं काकी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पानी ठीक है। थैंक्स बंदिता। काकी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना प्लीज, आपको अपनी बहू के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अब आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ आपका घरेलू मामला है, लेकिन किसी घर में अगर एक औरत के साथ ऐसे बर्ताव करे ये तो अच्छा नहीं लगता है ना। काकी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। बाकी कहो घर में कैसे चल रहा है? वो सतीश की बीवी के साथ बनने लगी है तुम्हारी? या वो ननद बहनी वाली नोकझोंक शुरू हो गई है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वर्षा तो बहुत स्वीट है, उसके साथ नोकझोंक का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसी भाभी पाकर। मैंने सतीश को भी बोला था कि वो बहुत लकी उसको ऐसी पत्नी मिली है। अरे आप तो वर्षा को पहले से जानती होंगी ना, अब आपकी बेटी मंजू उसी घर की बहू है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, शायद अब हमसे ज्यादा और कोई वर्षा को जानता ही नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हारे घर में आ चुकी है, धीरे धीरे जान जाओगी। एक्चुअली वर्षा बहुत अच्छी लड़की है, वो जितनी बाहर है ना उतनी अंदर भी है। मतलब? मतलब ये कि दुनिया के सारे रंग वो देख चुकी है और दुनिया को भी अपने सारे रंग दिखा चुकी है। एक तो वो गुस्से वाली है, ऊपर से सबसे दुश्मनी मोल लेती है, थोड़ी सी रिबेलियस भी है, बीच में अपनी आई का घर छोड़कर चली गई थी, और उसका पास भी बहुत कुछ। मानव अभी सतीश जी का फोन आया था और वो कह रहे थे कि उनका एक दोस्त वकील है, और वो वकील उनसे कह रहा था कि हमारे गैरेज का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो सकता है, और आप जानते हैं मानव, उन्होंने इस मामले में काम करना भी शुरू कर दिया है। मानव मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारा गैरेज फिर से शुरू हो जाएगा। एक्चुअली मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मुझे लग रहा था सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन देखो पापा अभी भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल माना पापा भी जानते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के लिए, कितने सच्चे हैं, और वैसे भी मानव पापा आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। अब देखिएगा मानव, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी जिंदगी। मेरा मतलब है आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा मानव। अर्चना एक और बात कहनी थी तुमसे। वर्षा की शादी का रिसेप्शन है और क्या मानव? इतना बड़ा फंक्शन है, उसमें बिना गिफ्ट के जाएंगे तो अजीब सा लगेगा,
और मेरे पास पैसे नहीं है गिफ्ट खरीदने के लिए, तो हम रिसेप्शन में नहीं जाएंगे मानव। लेकिन वर्षा, वर्षा की चिंता आप मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उसे समझा दूंगी। और जहां तक सतीश जी की बात है, उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझदार है। अरे लेकिन अर्चना तुम तो जा सकती हो, उसकी सगी बहन हो अर्चना तुम। कोई भी रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर नहीं होता, और आज भी मैं आपकी पत्नी हूं। इस घर से ना ही आप जाएंगे ना ही आई बाबा जाएंगे, तो मैं कैसे चली जाऊं? भले ही 14 दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं आज भी इस घर की सदस्य हूं ना। अर्चना ने इतना घाटा किया है, जिंदगी में किसी ने नहीं किया। शादी के वक्त इतना सा लेके आई थी, वो भी मेरे हरिश्चंद्र दानशूर बेटे ने जाके लौटा दिया। अब ये मेरा इकलौता हार बचा है, वो भी उसकी बहन पे लुटा रही हूँ। लगता है पिछले जन्म में वो साहूकार थी और मैंने उससे कर्जा लिया था, और वो बिना चुकाए मैं मर गई, इसलिए वो सर पे बैठी है। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, तुम उससे जुदा हो न रे हो न रे हो न। तुझे मालूम है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, मेरे बेवड़े ने इकलौता हार बनाया था मेरे लिए, ये उसके प्यार की निशानी है। हाँ, लेकिन मुझे तुझे देना पड़ता है, क्या करूं? बेटे की इज्जत का सवाल है ना, और बेटे की इज्जत से बढ़कर मुझे कुछ नहीं है। देख, तेरा मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, तू डर मत, किसी न किसी रूप में तू इस घर में वापस आएगा, और वापस लाए बिना मैं रहूंगी नहीं बेटा। हाँ, हम दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकता, तू समझता है ना? समझ ले बेटा, इसलिए मैं तुझे लौटा रही हूँ, टाटा बाय बाय कर रही हूँ। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।